हाय गेमर्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो में। सो इस वीडियो में बात करने वाले इंडस गेम के अंदर एक वीडियो देखने को मिला जिसमें काफ़ी कुछ चेंजिंग हो चुका है। अगर इसको चेंज होता है तो इंडस गेम के अंदर एक बड़ा अपडेट देखने को मिलेगा। तो वो क्या है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। और जो अपडेट है काफ़ी बहुत कुछ चेंज होने वाला है गेम के अंदर। सो सबसे पहले वो वीडियो आप देख लो। पूरी गैलेक्सी में सिर्फ एक ही सच है, कॉस्मियम। जिसके हाथ में कॉस्मियम उसके हाथ में पूरी गैलेक्सी। यही समय है इतिहास बनाने का। लेजेंड्स बिखरेंगे या बनेंगे, क्योंकि कॉस्मियम चेंजेस एवरीथिंग। सो यहाँ पर ये वीडियो ने बताया कि कॉस्मियम चेंजिंग एवरीथिंग, मतलब कॉस्मियम सब कुछ बदल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले ये कॉस्मियम आप देख लो। तो इसको ठीक है गेम के अंदर ये चेंज किया गया है। और जैसे कि आप सभी को पता है, कॉस्मियम जो है ऑलरेडी दो कॉस्मियम गेम के अंदर ऐड किया गया था और अपडेट किया गया था। ठीक है, जैसे कि पुराना वाला कॉस्मियम एंड उसके बाद और एक अपडेट किया गया था उसका एनिमेशन, जो आप लोगों ने उसका गेम प्ले वीडियो भी आप देख चुके होंगे। बट अभी जो इसका कॉस्मियम जो लुक है, ठीक है, यहाँ पर भी चेंज किया गया है। जैसे कि आप देख सकते हो, अब ये जो है दोस्तों एक ट्रेलर है। ठीक है, अब ऐसे भाई पिक्चर से कुछ मतलब हो सकता है कि ये अपडेट हो जाए कॉस्मियम। ठीक है, इसमें कॉस्मियम का जो लोगो आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा है। ठीक है, इसका जो डिज़ाइन यहाँ पर देख सकते हो फ्लावर टाइप, एंड इसका जो आर्किटेक्चर है इसका जो डिज़ाइन है इसमें चेंजिंग भी किया गया है। तो ऐसा कॉस्मियम गेम के अंदर अपडेट होता है तो ये देखने में भी दोस्तों कमाल लगने वाला, जैसे कि आप देख ही सकते हो। और यहाँ पर आप देख सकते हो जो कॉस्मियम है, कॉस्मियम का यहाँ पर एक बॉक्स जो दिखाया जा रहा है और यहाँ पर एक एनिमेशन भी दिखाया जा रहा है। अब सपोज मान लो कि हम जब गेम प्ले कर रहे हैं, ठीक है, और ऊपर से आसमान से यहाँ पर इस तरह का एक बॉक्स गिरता है और इस तरह का एनिमेशन क्रिएट होता है, बॉक्स ओपन होता है जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो। और भाई यहाँ पर एक एनिमेशन देखने को मिलता है एक फवंडर की तरह, और जो है यहाँ पर कॉस्मियम आप लोग होगा जिससे आप चारों तरफ से ले सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो बॉक्स की बॉक्स का जो बोर्ड होने वाला है वो मिट्टी के ऊपर गिर गया है। तो अगर ऐसा फीचर गेम के अंदर ऐड होता है तो भाई और भी काफ़ी बढ़िया होने वाला है देखने में। ठीक है, मतलब बॉक्स ऊपर से गिरेगा एंड बॉक्स ओपन हो जाएगा, देन इस तरह का एक भवंडर की तरह एक एनिमेशन देखने को मिलेगा एंड वहाँ पर कॉस्मियम होगा और उसको कलेक्ट करना होगा। मतलब ये थोड़ा सा और भी काफ़ी यूनिक हो गया है। ठीक है, मतलब पहले मान लो कि भाई कॉस्मियम का कुछ अलग ही भाई एनिमेशन था, बट दूसरी बार अपडेट किया उसका अलग एनिमेशन था। बट इस बार अगर इस तरह का एनिमेशन होता है, बॉक्स गिरेगा और उसमें से भवंडर की तरह से एक कॉस्मियम निकलेगा, तो भाई ये काफ़ी बड़ा अपडेट होने वाला है गेम के अंदर। और भी काफ़ी कुछ अपडेट गेम के अंदर होने वाला है। ठीक है, और जैसे कि आप सभी को, अब देखो यहाँ पर दो तीन सवाल आता है, ये जो भाई एक मामूली सा ट्रेलर है, ठीक है, अब ट्रेलर के अंदर भाई इतना कुछ अपडेट वो लोग देंगे और जो है यहाँ पर हिंट दे रहा है कि भाई गेम के अंदर एक बड़ा सा अपडेट आने वाला है जो आप देख के समझ सकते हो। अब ऐसा हो भी सकता है कि ये जो ट्रेलर है यहाँ पर दिखाया जा रहा है हर एक चीज़ गेम के अंदर ऐड होने वाला है जो ऐड नहीं हुआ, और जो है जो अपडेट होने वाला है, मतलब ये कॉस्मियम अपडेट होने वाला है गेम के अंदर। और जैसे कि ये बाइक आप देख रहे हो, ये बाइक भी गेम के अंदर ऐड होगा या फिर नहीं। अब देखो ऐसा हो भी सकता है कि अपडेट हो सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर ट्रेलर से बताया जा रहा है जो गेम के अंदर ऐसा लग रहा है कि अपडेट होने वाला है। ठीक है, मतलब जो अपडेट होने वाला है गेम के अंदर काफ़ी कुछ चेंजिंग करने वाला है। और जैसे कि यहाँ पर बताया कॉस्मियम सो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और जैसे कि यहाँ पर हम बाइक की बात कर लें तो यहाँ पर बाइक के कलर आप देख सकते हैं। सो यहाँ पर जो बाइक आप देख रहे हो तो काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि बाइक का स्किन आ रहा है। ठीक है, अब एक्चुअली में बाइक का स्किन आ रहा है कि यहाँ पर जस्ट ट्रेलर के अंदर दिखाया गया है इस तरह से, जो एक अलग सा ट्रेलर यहाँ पर बनाया गया है। अब मैं आपको समझा देता हूँ इंडस गेम के अंदर टोटल जो बाइक है इसका कितने सारे स्किन आ रहा है, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। जो बैटल पास के अंदर, आपने इस वाले वीडियो को आपको चेकआउट किया होगा, अगर नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक है, इसको चेकआउट कर लो। ठीक है, इसके अंदर ये जो बैटल पास के है ना, इस बैटल पास के अंदर ना भाई काफ़ी सारे बाइक का स्किन दे रहा है। मतलब टोटल जो बाइक की स्किन दे रहा है ना, 3 स्किन दे रहा है बाइक का। अब ये भी स्किन भी ऐड हो सकता है या फिर नहीं भी हो सकता, क्योंकि भाई यहाँ पर एक जस्ट ट्रेलर है, आप ट्रेलर देख ही सकते हो। अब मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ इंडस गेम के अंदर जो 3 बाइक ऐड होने वाला है, बैटल पास के अंदर, वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हो जो बाइक का भाई स्किन आप देख सकते हो, टोटल जो है भाई 3 स्किन मिलने वाला है जो बैटल पास के अंदर। ये जो है पहला स्किन, देन यहाँ पर दूसरा नंबर जो है बाइक का स्किन,
देन यहाँ पर तीसरा नंबर जो बाइक का स्क्रीन, मतलब टोटल जो बाइक का स्क्रीन मिलने वाला है, तीन बाइक का स्क्रीन मिलने वाला है। और अगर अगर ये ऐड हो जाता है तो फोर बाइक का स्क्रीन हमें देखने को मिलेगा। ये जो बाइक है ये भी दिखने में कमाल का होने वाला है, क्योंकि ये जो कैरेक्टर है, आई मीन कैरेक्टर का सूट का कलर देख सकते हो एंड बाइक का कलर देख सकते हो, लगभग सेम ही है दोस्तों। तो भाई ये जो कलर है आई थिंक कैरेक्टर से मैच होके ये कलर बनने वाला है जो बाइक का। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एक नया कैरेक्टर आया है इंडस गेम के अंदर जो दिखाया जा रहा है। ठीक है, एक्चुअली में दोस्तों ये कैरेक्टर गेम के अंदर आने वाला या फिर नहीं आने वाला, ऐसा सवाल तो मेरे अंदर भी है। जैसे कि ये जो कैरेक्टर है थोड़ा सा अलग ही है, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये जो कैरेक्टर आप देख सकते हो भाई, ये जो कैरेक्टर है ना, मतलब अलग ही है भाई, इसका पॉच अलग ही है, इसका जो लुक एंड इसका जो सूट, जो ब्लैक कलर का, इसका जो लाइटिंग एंड एनिमेशन, भाई यहाँ पर आप देख ही सकते हो काफ़ी कमाल का है। ठीक है, अब सपोज़ मान लो कि भाई ये जो कैरेक्टर गेम के अंदर ऐड होने वाला है, भाई काफ़ी बड़ा अपडेट होने वाला गेम के अंदर। ठीक है, इस बार अगर ये यहाँ पर ये ट्रेलर में ना जितने भी कुछ दिखाया जा रहा है, ठीक है, कॉस्मियम, बाइक एंड कैरेक्टर, मान लो भाई इतने सारे अपडेट अगर गेम के अंदर हो जाता है तो गेम के अंदर काफ़ी बड़ा अपडेट होने वाला है। ठीक है, अगर ये कैरेक्टर आता है तो काफ़ी अच्छा होगा भाई, क्योंकि जो कैरेक्टर है भाई देख के तो भाई देख के ना काफ़ी बढ़िया लग रहा है, मतलब इसके आँखों दे इसका आँख देख सकते हो। ठीक है, आँख ही वही इसको जो अट्रैक्शन करता है इस कैरेक्टर का, तो कैरेक्टर जो है काफ़ी कमाल का होने वाला है। आई मीन अगर ये कैरेक्टर गेम के अंदर ऐड होने वाला, जैसे कि यहाँ पर आप देख ही सकते हो। ठीक है, अब बात कर लेते कि यहाँ पर एक और कैरेक्टर के बारे में, और यहाँ पर देख सकते हो और एक कैरेक्टर है। ठीक है, यहाँ पर आप इसका सूट एंड इसके पीछे जो गन यानी इसका हैंड देख ही सकते हो। अब देखो, ऐसा आपको लग रहा होगा कि ये जो कैरेक्टर है एक्चुअली ये कैरेक्टर गेम के अंदर ऐड होने वाला या फिर नहीं, ऐसे ही। ठीक है, अब अगर मान लो कि कोई कैरेक्टर का सूट या फिर हो सकता है, अगर कुछ कैरेक्टर का सूट हो भी रहा है, ठीक है, इसका उंगली देख सकते हो, आई मीन इसका फिंगर आप देख सकते हो, भाई ये एकदम ही अलग है। मतलब जितने भी इंडस गेम के अंदर कैरेक्टर है आप सोच लो, ठीक है, आपको पता है कितने सारे कैरेक्टर है, टोटल 12 कैरेक्टर है इंडस गेम के अंदर। अगर ये दो कैरेक्टर ऐड हो गया तो आपको पता है दोस्तों, ये जो कैरेक्टर है इस कैरेक्टर को देख के भाई ऐसा लग नहीं रहा है कि भाई ये किसी का सूट है, ठीक है, जो भाई इसने पहना है। ठीक है, अपडेट हो मतलब हो रहा है एक सूट, नहीं भाई, अगर अपडेट होता तो आई मीन इसका फिंगर आप देख सकते हो भाई, थोड़ा सा अलग ही है। तो ऐसा हो सकता है कि गेम के अंदर ये भी कैरेक्टर ऐड हो रहा है, तो टोटल जो है भाई दो कैरेक्टर ऐड हो रहा होगा गेम के अंदर, या फिर नहीं भी हो सकता है। ठीक है, अब ट्रेलर के अंदर भाई इतना कुछ अपडेट अगर दे रहा है वो लोग, तो काफ़ी बड़ा अपडेट होने वाला है। और यहाँ पर अपडेट की बात करें तो यहाँ पर आई थिंक, ठीक है, आई थिंक ऐसा लग रहा है कि इंडस के अंदर और एक न्यू प्लेस देखने को मिल सकता है, या फिर सपोज मान लो कि भाई ये पुराना जो प्लेस है, ठीक है, इसको अपडेट किया जा रहा है। जैसे कि वो जो प्लेस होने वाला है, आई थिंक आप लोगों को सभी लोगों को पता है गुफा। ठीक है, यहाँ पर ऐसा लग रहा है, ऐसा नहीं बल्कि बोल रहा हूँ कि भाई एक गुफा ही है, ठीक है, ऐसा लग रहा है कि भाई एक गुफा है, क्योंकि जो इसका टेक्चर एंड डिज़ाइन देख सकते हो, ठीक है, यहाँ पर स्टोन दिया गया है चारों तरफ, और मिडिल जो आप सेंटर देख सकते हो, जो स्टोन वगैरह कुछ हो नहीं, होल्ड है, ठीक है, आई मीन गड्ढा है। ठीक है, अब एक सपोज़ एक गड्ढा भाई क्यों रखा गया है, अब ऐसा लग रहा हो कि आपको भाई यहाँ पर एक न्यू प्लेस आने वाला है, ठीक है, या फिर पुराना वाला है, इसको अपडेट किया जा रहा है। बट यहाँ पर और एक चीज़ दिखाया गया, जैसे कि ये वाला आप देख सकते हो, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो, आई थिंक भाई ये एक न्यू प्लेस होने वाला है, या फिर जो गुफा है, आपको पता है गुफा है, तो उसको अपडेट किया जा रहा है। अब सपोज मान लो ये जो प्लेस है, मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि भाई ये गुफा है या फिर कुछ न्यू प्लेस, मतलब न्यू प्लेस है, बट कौन सा प्लेस है वो भी मैं आप लोगों को बता सकता हूँ। आई थिंक ये जो प्लेस है देख के ऐसा लग रहा है ना कि वाटर प्लेस, ठीक है, वाटर प्लेस, इसका मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना के रखा है, ठीक है, इसको आप जाके चेकआउट कर सकते हो। ऐसा लग रहा है कि ये जो प्लेस होने वाला है वाटर प्लेस होने वाला है, और इसके चारों तरफ आप देख सकते हो पत्थर से घिरे हुए हैं, ठीक है, और इसके जो इसका आप ध्यान दोगे तो इसके अंदर बहुत सारे पेड़ भी है, और वाटर प्लेस में मैंने बताया था काफ़ी सारे पेड़ पौधे होने वाले एंड वाटर होने वाला है, ठीक है, जो पानी होने वाला है वो भरा होने वाला है पानी से, वाटर से। तो भाई ऐसा लग रहा है कि ये जो प्लेस होने वाला है वाटर प्लेस ही होने वाला है, जिसका मैंने वीडियो बनाया था, आप लोगों ने अगर देखा होगा तो आप समझ रहे हो ये जो प्लेस है आई थिंक वाटर प्लेस ही है दोस्तों, जो गेम के अंदर दिखाया जा रहा है।
आई मीन वीडियो के अंदर दिखाया जा रहा है, जो ये जो प्लेस है गेम के अंदर ऐड होने वाला है। अगर ये जो प्लेस है अपडेट होता है ठीक है, ऐसे मतलब चारों तरफ स्टोन देख सकते हो और भाई पानी एंड पेड़ पौधे से भरे होंगे, तो भाई ये प्लेस देखने में काफ़ी कमाल का लगेगा। ऐसा लग रहा है कि ये जो प्लेस है वाटर प्लेस ही होने वाला है। सो जैसे कि गेम के अंदर क्या क्या अपडेट होने वाला है दोस्तों, कॉस्मियम अपडेट होने वाला है एंड न्यू बाइक आने वाला है, आई थिंक दो कैरेक्टर आने वाला है एंड न्यू प्लेस अपडेट होने वाला है। तो भाई गेम के अंदर काफ़ी बड़ा अपडेट होने वाला है आई थिंक, अगर अपडेट होता है। सो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, कॉमेंट करना, शेयर करना, और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।